हेलो दोस्तों, वे फॉर स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एससी बिंद आज आप लोगों के लिए ट्रैक्शन सब स्टेशन की सीरीज में कुछ नए इंस्ट्रूमेंट के साथ हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रैक्शन सब स्टेशन के जो मेन इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज मैं आप लोगों को ट्रैक्शन सब स्टेशन में जितने भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनके बारे में दिखाकर आपको बताऊँगा। यानी कि आज मैं ट्रैक्शन सब स्टेशन के पूरा ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले आपको आज इनपुट की तरफ लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पे 66 केवी की लाइन जो है, ये अंडरग्राउंड जो केबल दिख रहा है इसी से 66 केवी है जो राजकोट डिवीजन से आया हुआ है। ठीक है, तो उसके पहले वो देख लीजिए, येले लगा हुआ है, पीटी लगे हुए हैं और सीटी लगा हुआ है, जिनके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये लाइन जो जा रही है 66 केवी की लाइन। अब ये देखिए, ये दो जो पोर्ट आपको दिख रहे हैं ये DPI है, यानी डबल पोर्ट आइसोलेटर। ठीक है, ये आइसोलेटर होता है, यानी कि ये कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ से जो है डबल पोर्ट से ये लाइन देखिए, वहाँ से एक सीधे लाइन चली गई है और एक यहाँ से कपल कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से ये बस कपलर लगाया गया है। बस कपलर का काम होता है दो लाइनों को कनेक्ट करना, यानी एक लाइन वो है और दूसरी लाइन ये है, इसके बीच में ये लगा हुआ है DPI के थ्रू, यानी कि ये बस कपलर लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये बस कपलर है, यानी कि इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को ये कपल कर रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ रहा है। देख लीजिए, अभी ये ओपन है क्योंकि अभी ये एक ही कंडीशन, मतलब एक ही वर्किंग कंडीशन में है ये वाली लाइन। ठीक है, तो इस वाली लाइन में आपको देख लीजिए, यहाँ से ये कनेक्ट किया गया है। इसको मैं इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं दिखा दे रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो DPI लगा हुआ है, यानी कि ये डबल पोर्ट आइसोलेटर यहाँ से कनेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है CT लगा हुआ है, CT का काम क्या है मैंने आपके बारे में उसके बारे में बता ही दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो CV लगा है, SF6 CV लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, फिर ये लाइन चालू है इसलिए थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से उसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो है वर्किंग कंडीशन में, यानी यहाँ से 66 केवी की लाइन आई, अब इस ट्रांसफार्मर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टेप डाउन, यानी कि 25 केवी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख लीजिए, इसमें से आवाज़ भी आ रही है, यानी कि ये वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ट्रांसफार्मर, इसका नाम है, देखिए आप पूरा देख लीजिए, ये पूरा पावर ट्रांसफार्मर है। फिर यहाँ से जो है कन्वर्ट हो जा रहा है 25 केवी की लाइन। ठीक है, 25 केवी की लाइन के बाद कन्वर्ट होने के बाद आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ भी, जैसे कि मैंने वो सब आपको दिखाई दिया है कि वो कैपेसिटर बैंक है, वो सीरीज रिएक्टर है, और ये CT है, ये भी CT है, वो CV है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे मैंने वन बाय वन करके आपको वीडियो में बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाता है, एक को एक ग्राउंड कर दिया गया, देखिए ये सीधा इसको ग्राउंड कर दिया गया है इसके थ्रू, और वो एक लाइन को वहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है। अब ये देख रहे हैं SPI मतलब सिंगल पोर्ट आइसोलेटर, क्योंकि अब देखो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गया तो एक ही फेज की जरूरत है, तो यानी कि ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको फर्दर बस की हेल्प से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड है इधर, अब इसको चार लाइन में डिवाइड कर दिया गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो चार लाइन कन्वर्ट हुई है, ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी वो और चौथी वो, चार लाइन कन्वर्ट हो गई। मैं हाथ ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकता आपको, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन चालू है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं आपको इधर से दिखा दे रहा हूँ दूर से थोड़ा सा, इसमें क्या क्या लगे हुए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं मैं आपको बता दूँ। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है ये अभी वर्किंग में नहीं है, जैसे कि वहाँ के भाई BC जो है बस कपलर है वो कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये वर्किंग नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से भी, यहाँ इसके बीच में भी एक बस कपलर लगा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जहाँ भी दो लाइनें होंगी उनके बीच में अगर कनेक्ट करने के लिए बस कपलर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये बस कपलर हो गया क्योंकि एक लाइन उधर से हो गई, एक लाइन इधर से, यानी कि और भी एक बस कपलर लगा होगा, क्योंकि चार लाइन है तो दो दो लाइनों के बीच में एक एक बस कपलर लगा होगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो भी, ये देखिए ये यहाँ पे, तो दो बस कपलर यानी कि चार लाइन। ठीक है, तो चारों लाइनों में हम आपको दिखा दें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, ये AT है, इसके बारे में बता ही दिया हूँ, और ये SPI यानी कि सिंगल पोर्ट आइसोलेटर है, ये PT, ये CT और ये CB है, आप देख लीजिए इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये हर लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो चारों लाइनें हैं ये यहाँ से जा रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब लाइव है यानी कि चल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होता है, फिर ये बिक्स, ये BX मतलब आपको दिख रहा है ना, ये BX ये बॉक्स है, कौन सा है, यहाँ BM लगे हुए हैं, ये बॉक्स है,
ये बीएम लगे हुए हैं, ठीक है, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ से बीएम एक लगा हुआ है, ये सब लाइव है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ से डाल नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पे देखिए पीटी लगे हुए हैं, पीटी लगे हुए हैं, बीएक्स का काम होता है, सॉरी बीएम का काम होता है ये ब्रेकिंग मैकेनिज्म, यानी कि ये ब्लॉक लेने में इसका यूज़ किया जाता है, यहाँ से लाइन को, यहाँ से उसके बाद देखिए यहाँ से जो भी जितने बीएम लगे हुए हैं चारों लाइनें, अब वो फर्दर आगे बढ़ के वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए चलने के लिए वहाँ पर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। आप देख लीजिए सारे यहाँ पे कई डीपीआई, देखो डीपीआई भी लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है, सब ये कनेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा रिस्क है इसलिए मैं, आप देख लीजिए पूरा, मैं दिखा तो दिया है इधर, मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो यही पूरा काम होता है, यही यही पूरा चीज़ है, वहाँ पे ये ले ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। ये आपको पूरा दिखा दिया मैंने, और हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, ओके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए सुभाष को इजाज़त, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।